जिला प्रशासन आजमगढ़ एवं जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में खेलो इंडिया 2020 बैडमिंटन खेल में जिले के गंभीर वन निवासी बालिकाओं की प्रेरणा स्रोत सोनाली सिंह कांस्य पदक विजेता होने के पश्चात जनपद आगमन पर सम्मान समारोह नेहरू हॉल आजमगढ़ में आयोजित किया गया। बता दें कि जनपद के गंभीर वन निवासी सुनील सिंह की सुपुत्री सोनाली सिंह ने गुवाहाटी आसाम में संपन्न हुई खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में बैडमिंटन खेल में कांस्य पदक प्राप्त कर जिले को गौरव प्रदान किया। सम्मान समारोह में जिला खेल प्रोत्साहन समिति अध्यक्ष जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सोनाली सिंह को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र एवं पगड़ी पहनाकर तथा 25,000 रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर डीपी राय और डॉक्टर पीयूष यादव द्वारा 25,000 रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सोनाली सिंह ने आजमगढ़ और देश का नाम रोशन किया है और सभी बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सोनाली सिंह को बधाई हो, आपको बिटिया हुई है अभियान और मतदाता जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि खिलाड़ी का एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए तपस्या साधना होती है। जब बच्चे को शिल्प करने में पूरा परिवार जुटता है तो बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। लड़कियों को शिल्प करने में भी हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिनके पास हौसला होता है वो अपना मुकाम खुद बना लेते हैं। खिलाड़ियों का सम्मान होने पर खिलाड़ियों को और बड़ी चुनौती मिलती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सोनाली सिंह को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के रूप में आना चाहिए। हम लोगों को अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि बेटियां अपने परिवार की मान और सम्मान है, लज्जा नहीं। उन्होंने कहा कि बेटियां ही हम सबको बचाएंगी, यदि बेटी नहीं रहेगी तो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। आजमगढ़ जनपद की एक बेटी सोनाली सिंह है जिसने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त किया है। खेलो इंडिया में भी 2 वर्षों से खेल रही और ब्रांज मेडल उसने पाया था। तो मुझे लगा कि एक ऐसी बच्ची जो ग्रामीण परिवेश के होते हुए अपने पिता और माँ के सपोर्ट से नोएडा में जाकर एकेडमी ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेकर के एक उच्च शिखर तक पहुँच सकती है, तो उसको अपने जनपद में उसका अभिनंदन होना चाहिए ताकि यहाँ की बच्चियाँ भी उसे प्रेरणा ग्रहण करें और उसके भी मनोबल में वृद्धि हो ताकि भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ और अच्छे मुकाम पर जाने की उसके अंदर हौसला पैदा हो। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।